अभी मैं YouTube पर बहुत सारी वीडियोस देख रहा था, तो वहाँ पे कुछ वीडियोस रेलवे से रिलेटेड थी। रेलवे से रिलेटेड तो वीडियोस थी, पर वहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई थी कि जो वैग 12 इंडिया का रेलवे लोकोमोटिव इंजन है वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव इंजन है। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे इंजन्स हैं जो वैग 12 से काफ़ी HP हॉर्स पावर के हैं, और उनका जो फोर्स कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी है वो वैग 12 से बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप अगर वैग 12 की बात इंडिया लेवल पे करेंगे तो वो इंडिया का सबसे पावरफुल है। अगर आप कंपेयर करें P4 से या P7 से, तो वैग 12 जो है वो इंडिया के कंपेरिजन में बहुत पावरफुल इंजन है, जितने भी इंजन अभी तक यूज़ होते हैं, तो वो चीज़ सच है। लेकिन अगर आप बात करें वर्ल्ड लेवल पे, तो ऐसा नहीं है। वर्ल्ड लेवल पे रसिया के कुछ इंजन्स हैं और भी चाइना के इंजन्स हैं, लेकिन चाइना के इंजन्स पे भरोसा नहीं है कि वो कुछ भी डेटा अपना प्रोवाइड करा दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है। लेकिन अदर कंट्रीज़ पे आप भरोसा कर सकते हैं, इसलिए मैं उन कंट्रीज़ का डेटा लेके आपको लोकोमोटिव्स की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आगे बढ़िए। फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे रशियन रेलवे। रशियन रेलवे का जो फर्स्ट इंजन आता है, जो सबसे पावरफुल इस समय प्रेजेंट टाइम, उसका जो नाम है 2ES105। ये है उसका कोड, या फिर आप नाम बोल सकते हैं, ये इस नाम का जो इंजन है रशिया में है, और उसका जो हॉर्स पावर है वो है 17,701 हॉर्स पावर का जो है, उसका केवल इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, इतने हॉर्स पावर का इंजन है। और जो उसकी फोर्स कंज्यूम करने की, यानी फोर्स खींचने की या शेयर करने की जो कैपेबिलिटी है, पावर बोल सकते हो आप, वह 1776 किलो न्यूटन। 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन्स होते हैं, आप सोच सकते हैं इतने पावरफुल इंजन है। सो ये इतना पावरफुल इंजन है जो कि वैग 12 के कंपैरिजन में बहुत अधिक है। सेकंड नंबर पे रसिया का ही एक इंजन आता है जिसका नाम है 4ESK। तो इसके अगर हॉर्स पावर की बात करें तो 17,594 HP का जो इंजन है, और इसकी शेयरिंग फोर्स की जो कैपेबिलिटी है वो 1,376 है। अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने फर्स्ट वाले इंजन की बात की, वहाँ पे उस इंजन की जो हॉर्स पावर थी वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो शेयरिंग फोर्स की कैपेबिलिटी है ये उससे भी ज़्यादा है। पर ऐसा क्यों होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि HP और किलो न्यूटन का आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से HP ऊपर नीचे होने से उसकी जो पावर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इन्हीं सब के कंपैरिजन में अगर बात करें हम वैग 12 की, तो वैग 12 होता है 12,000 HP का, और उसकी जो शेयरिंग फोर्स की कैपेबिलिटी होती है वो 746 केवल 746 किलो न्यूटन की होती है, बाकी दो के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो अगर आप वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो वर्ल्ड लेवल पर वैग 12 से भी पहले दो इंजन्स आते हैं जो मोस्ट पावरफुल इंजन इन द वर्ल्ड हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करके बताइए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं।